अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, और हम लोगों ने शुरू किया था कि हम लोग इसकी प्रिपरेशन के मेथड्स क्या क्या हैं, यानी कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से हम लोग अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास कुछ नेचुरल सोर्सेज थे, कुछ लेबोरेटिकल मेथड से। तो लेबोरेटरी मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, कुछ डिस्कस कर लिए थे, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रिडक्शन है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मैंने आपको बताया था कि एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये यानी कि एक बहुत ही सिलेक्टिव है, यानी कि वो सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड को अल्केन के अंदर कन्वर्ट करता है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को अल्कीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी कि वो उसको अल्केन के फॉर्मेशन के अंदर नहीं देता। ठीक है, तो इस केस में आपके पास एक साइड डायरेक्शन ऑब्टेन हो जाता है विद द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, अब अगर उसके केस में अगर अल्कीन बन रहा है, तो अगर आपके पास रिएक्शन के अंदर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल हो, तो फिर आप उससे अल्केन की फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की जगह पे हम लोग यूज कर लेंगे NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर लेंगे। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, इट इज अ सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या करेगा, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को अल्केन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, वो उसको अल्कीन के अंदर कन्वर्ट होने के लिए प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो उसके अलावा आप यूज कर सकते हैं जो आपके पास है ना, ये एक और रिएजेंट होता है ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। ठीक है, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड होता है PH3SNH, वो तमाम तरह के हैलाइड्स को कन्वर्ट करवा सकता है, यानी चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शरी हो। लेकिन अब हम यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का केस कर रहे देख रहे हैं, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो सिर्फ तीन तरह के जो है ना, वो तमाम तरह के रिएजेंट्स को या तमाम तरह के अल्काइल हैलाइड को अल्केन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता, सिर्फ प्राइमरी को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो अगर इसका अगर मैकेनिज्म देखिए, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के अंदर चार हाइड्रोजन हैं। पहले सबसे पहले ये जो खुद मॉलिक्यूल है ये आयोनाइज हो जाता है इनटू द लिथियम आयन और Al-H4-. ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम ने चार बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर Al-H4- के फॉर्म में हो जाएगा और लिथियम आयन के फॉर्म में हो जाएगा। अब ये जो Al-H4- है, ये एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट बाय ट्रांसफर ऑफ द हाइड्राइड आयन टू द अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये यहाँ पर आपके पास अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल आएगा, और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो ट्रांसफर होगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड, यानी H- के फॉर्म में ट्रांसफर होगा, और यहाँ से ये जो हेलोजन एटम लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप के साथ, वो अलॉन्ग विद शेप पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से लीव कर जाएगा, यानी ये X- के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और पीछे आपके पास ये जो हाइड्रोजन है ये अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेगा RH के फॉर्म में। ठीक है, फिर आपके पास ये जो AlH3 निकला है, इसमें इसके अंदर तीन हाइड्रोजन फर्दर हैं। ठीक है, तो तीन हाइड्रोजन तो हैं, वो फर्दर ट्रांसफर्ड हो सकते हैं टुवर्ड द थ्री अल्काइल ग्रुप, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, फोर अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल लेते हैं। अब इसमें जब सेकेंड हाइड्रोजन इसको ट्रांसफर होगा, तो यहाँ से भी क्लोराइड आयन एज द क्लोराइड है या कोई भी हैलाइड आयन है, वो अलॉन्ग विद शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के दरमियान में शेयर्ड हो रहे होंगे, वो यहाँ से अपने साथ लेके यहाँ से निकल जाएगा, और ये जो X- है वो फिर एलुमिनियम के साथ बॉन्ड बना लेगा, यानी AlH2X की फॉर्म में, और ये जो तीसरा हाइड्रोजन है एलुमिनियम का, वो ट्रांसफर हो गया है अल्काइल ग्रुप को, तो ये RH की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। अब ये जो एंड प्रोडक्ट बेस में बनी है, ये फिर आपके पास दो हाइड्रोजन है इसके पास, जो कि जो फर्दर ट्रांसफर्ड हो सकते हैं, तो इसमें फिर ये जो हाइड्राइड है वो ट्रांसफर्ड हो जाता है टुवर्ड द आर ग्रुप, और यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन एटम निकल जाता है अलॉन्ग विद शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो तमाम स्टेप के अंदर यही वाला रिएक्शन हो रहा है कि हाइड्राइड आयन ट्रांसफर्ड हो रहा है और यहाँ से हेलोजन एटम यहाँ से निकल रहा है। अब ये जो हेलोजन एटम यहाँ से निकला है, वो फिर एलुमिनियम के साथ बॉन्ड बना लेता है, यानी AlX2 की फॉर्म में, यहाँ AlX2 और फिर एक हाइड्रोजन इसके साथ, यानी AlHX2 की फॉर्म में यहाँ पे रिलीज हो जाता है, और यहाँ पे एक अल्केन का मॉलिक्यूल बन जाता है। कैसे, बाय बाय कंबाइनिंग आर एंड आर विद एच। ठीक है, आर और एच का रिएक्शन होता है और यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिर ये जो हाइड्राइड आयन होता है, ये एक हाइड्राइड आयन, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसके पास अभी भी अवेलेबल है, ये फिर एक और मॉलिक्यूल के साथ अल्काइल हैलाइड के एक और मॉलिक्यूल के ऊपर जाकर रिएक्शन करता है, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेता है एच, और ये जो हैलोजन एटम है एक्स की फॉर्म में, X- की फॉर्म में निकल जाता है, लेकिन वो फिर एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट निकलती है वो AlX3 की फॉर्म में निकलती है, जैसे यहाँ पर AlCl3 लिखा हुआ है। तो
इस सेक्शन का एडवांटेज ये है कि आपके पास ग्रेटर यील्ड रेंज हो जाती है प्रोडक्ट्स की, क्योंकि यहाँ पर आप चार अल्काल हैलाइड के मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे और लिथियम एल्युमिनियम हैलाइड का सिर्फ एक मोल यूज़ कर लेंगे, यानी एक मॉलिक्यूल भी यूज़ कर लें, थोड़ा सा भी यूज़ कर लें, तो उसके रिजल्ट में आपके पास बहुत ज़्यादा जो है ना वो अल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो ग्रेटर यील्ड ऑब्टेन करने के लिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। कैटालिटिक हाइड्रोजन एनालिसिस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि हेलोजन एटम की ब्रेक डाउन होती है और फिर हाइड्रोजन इसके दोनों तरफ ऐड हो जाता है आर एच और एच एक्स की फॉर्म में इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम चारकोल एज अ कैटलिस्ट। इसमें मैंने आपको केमिस्ट्री बताई थी इसकी, इसके बिहाइंड केमिस्ट्री क्या है इसकी, कि इसके अंदर आपके पास एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना होता है, पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गेट एब्जॉर्ब ऑन द सर्फेस ऑफ कैटलिस्ट और फिर वहाँ पर अल्काल हैलाइड का मॉलिक्यूल आता है और फिर वहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद वहाँ पे क्लीविज हो जाती है, यानी आर एक्स की क्लीविज जो जाती है यहाँ से बॉन्ड की और हाइड्रोजन के साथ ये दोनों बॉन्ड डेवलप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और फिर डिसॉर्प्शन हो जाती है, यानी ये जो प्रोडक्ट्स बन जाती हैं वो कैटलिस्ट के सरफेस से निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये वाला फिनोमेना होता है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस हम लोगों ने पढ़ी थी ग्रिगनॉट रिएजेंट की, कि ग्रिगनॉट रिएजेंट पहले बनाया कैसे जाता है, किसी भी अल्काल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करा दें इन द प्रोसेस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपके पास अल्काल हैलाइड का मॉलिक्यूल आपके पास ग्रिगनॉट रिएजेंट प्रिपेयर हो जाता है। आप ग्रिगनॉट रिएजेंट के अंदर कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड की पोलैरिटी होती है, यानी मैग्नीशियम इज द पॉजिटिव एंड कार्बन इज द नेगेटिव, तो यहाँ पर इसका रिएक्शन जैसे ही वाटर के साथ कराया जाता है, वाटर आल्सो हैज द सेपरेशन ऑफ चार्जेस, इट इज आल्सो पोलर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाता है और यहाँ पे ये जो नेगेटिव है ये इस हाइड्रोजन यानी वाटर के हाइड्रोजन के साथ जाकर अटैच हो जाता है, तो यहाँ पे CH4 की फॉर्मेशन हो जाती है और साथ में MgOH और I, और अगर यहाँ पर Br है तो Br लग जाएगा, आयोडीन है तो आयोडीन आएगा, ब्रोमो है तो ब्रोमो आ जाएगा, Cl है तो Cl आ जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे वुड सिंथेसिस रिएक्शन। वुड सिंथेसिस रिएक्शन में हम लोग डिस्कस करते हैं अल्काल हैलाइड का रिएक्शन, दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं अल्काल हैलाइड के, उसका रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम मेटल इन द ड्राई ईथर सॉल्यूशन के अंदर, तो इसके रिजल्ट में आपके पास सिमेट्रिकल अल्केन प्रिपेयर होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ड्राई ईथर को हम लोग, ड्राई ईथर का मतलब होता है कि उसमें से मॉइस्चर कंटेंट ऑलमोस्ट जीरो हो, यानी कि उसमें से वाटर कंटेंट को रिमूव करवाया गया हो और उसको हम यूज करते हैं, क्योंकि अगर वाटर कंटेंट उसके अंदर प्रेजेंट होगा, अगर हम लोग ड्राई ईथर यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल ईथर सॉल्यूशन यूज करेंगे, तो उसके रिजल्ट में सोडियम मेटल इसके साथ वाटर के अंदर डिजोल्व होकर NaOH की फॉर्मेशन कर देगी अल्कली की, और उसके रिजल्ट में आपके पास साइड रिएक्शंस होंगे, यानी साइड प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे हम लोग ड्राई ईथर को यूज करते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि ये दो अल्काल हैलाइड के मॉलिक्यूल हैं वो सोडियम मेटल के साथ कपल हो जाते हैं, यानी कि दो सोडियम मेटल इन दोनों में से हैलोजन एटम को रिमूव करवा देती है और पीछे ये दोनों अल्काइल ग्रुप होते हैं वो आपस में कपल हो जाते हैं। इसमें अगर आपके पास दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स अगर आप यूज करते हैं तो फिर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट पॉसिबल होता है, जैसे कि मिथाइल ब्रोमाइड का और मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाया है तो तीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि या अगर मिथाइल ब्रोमाइड अपने ही मॉलिक्यूल के साथ कपल हो, ठीक है, तो वो आपके पास से इथेन बनेगा, और अगर मिथाइल ब्रोमाइड इथाइल ब्रोमाइड के साथ कपल हो तो प्रोपेन बनेगा, और अगर इथाइल ब्रोमाइड के साथ कपल हो तो फिर आपके पास ब्यूटेन बनेगा। लेकिन हम लोगों को एक ड्रॉबैक पता होना चाहिए कि दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर टर्शियल अल्काइल हैलाइड ड्यू टू साइड रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एलिमिनेशन। फिर वही रीजन आ जाती है कि एलिमिनेशन रिएक्शंस की वजह से ये जो रिएक्शन होता है वो ज्यादा कोई ज्यादा जो है वो एडवांटेजेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो मेनली जो आपके पास रिएक्शन है वो यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन जाती है, साइड रिएक्शन हो जाता है, इसलिए टर्शियल अल्काइल हैलाइड के केस में ये रिएक्शन सुटेबल नहीं है सिर्फ और दूसरी बात कि हम इसके केस में सिमेट्रिकल अल्केन बना सकते हैं। सिमेट्रिकल अल्केन का मतलब है कि दोनों तरफ जो कार्बन एटम्स हैं और फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम्स की तादाद इक्वल हो, और अगर फंक्शनल ग्रुप भी ऐसा है, यानी कि जैसे सिंगल बॉन्ड है, तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड दोनों इन इसकी तरफ दोनों अल्काइल ग्रुप की जो तादाद है या दोनों के पास जो हाइड्रोजन्स हैं वो क्या है, इक्वल है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्केन। अब अगर इसके केस में हम सोडियम रेडिकल की बात करें, सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो ये सोडियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, ये मैकेनिज्म है इसका, इसके अंदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी होता है। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो गेट एब्जॉर्ब ऑन द अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और वहां से हेलोजन एटम अलॉन्ग विद द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां से लीव कर जाता है, ठीक है। सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो अल्काइल ग्रुप के अंदर एड्सॉर्ब हो जाते हैं और यहाँ से ये जो हेलोजन एटम है वो होमोलिटिक क्लीविज की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ से निकल जाता है। होमोलिटिक क्लीविज होती है कि आपके पास बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो रहा हो कि दो इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के दरमियान में शेड हो रहे हैं वो दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी एक इलेक्ट्रॉन आर के पास चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन एक्स के पास चला जाए। एक इलेक्ट्रॉन एक्स के पास चला जाता है तो ये एक्स
रेडिकल बन जाते हैं। और अब एक इलेक्ट्रॉन आर के पास आता है तो यहाँ पर आर रेडिकल बनना चाहिए था, लेकिन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम मेटल इसके ऊपर अब्सॉर्ब हो रहा है तो हम लोग कहते हैं कि ये आर नेगेटिव की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। अब ये जो आर नेगेटिव है ये फर्दर एक और अल्काइल हैलाइड के मालिक्यूल के साथ, क्योंकि यहाँ पर दो अल्काइल हैलाइड के मालिक्यूल यूज हो रहे हैं, तो एक दूसरे अल्काइल हैलाइड के मालिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ से हैलोजन एटम अलॉन्ग विद शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से लीव कर जाता है। फिर उसके बाद अगर आपके पास जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो अगर सोडियम रेडिकल है एक्स रेडिकल के साथ मिलके वो सोडियम हैलाइड की फॉर्मेशन करते हैं, या अगर सोडियम आई है तो एक्स नेगेटिव के साथ मिलके सोडियम हैलाइड की फॉर्मेशन कर देता है। तो सोडियम हैलाइड हैलाइड का मतलब है कि यहाँ पे एक्स की जगह पर कोई भी हैलोजन एटम आ सकता है, क्लोरो आ सकता है, ब्रोमो ग्रुप आ सकता है, ब्रोमो ग्रुप आ जाता है, तो यहाँ पे आपके पास NaCl बन जाता बन जाएगा या फिर NaBr बन जाएगा। ठीक है, तो ये फिर डिपेंड करता है कि कौन से वाला जो है ना वो रिएक्शन कौन से वाला जो है वो प्रोडक्ट कौन सी बनेगी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हैलोजन एटम। उसके बाद आ जाता है कपलिंग ऑफ अल्काइल बोरेन। अल्काइल बोरेन कैसे कपल होता है? अल्काइल बोरेन हम लोग ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिनके अंदर कार्बन और बोरोन का बॉन्ड बना हुआ होता है, बोरोन बोरोन का बॉन्ड बना हुआ होता है, यानी अल्काइल ग्रुप रिएक्ट विद बोरोन, ठीक है, बोरोन के साथ बॉन्ड बना देता है, और वो भी कैसे? ट्राई अल्काइल बोरेन। ट्राई अल्काइल बोरेन का मतलब है कि बोरोन ने तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं किसी अल्काइल ग्रुप के साथ, यानी तीन डिफरेंट अल्काइल ग्रुप भी लग सकते हैं और तीन सेम ग्रुप भी लग सकते हैं, यानी कि एक ग्रुप में एक बोरोन एटम तीन अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाए हुए, ठीक है। अब पहली बात तो यह है कि आप अल्काइल बोरेन को बनाएंगे कैसे? हम लोग बनाते हैं अल्काइल बोरेन को फ्रॉम दी अल्कीन, अल्कीन से बनाते हैं और B2H6 के साथ रिएक्शन क्यों करते हैं? वैसे ये जो B2H6 का मॉलिक्यूल होता है ये यहाँ पे डाइमर की फॉर्म में है, वैसे ये BH3 होता है, ठीक है, BH3 होता है, ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम इसको B2H6 कहते हैं। अब ये B2H6 के साथ जैसे यहाँ पे कपल होगा तो अब यहाँ पे ये जो दो ब्रोमीन है और सिक्स हाइड्रोजन है, ठीक है, अब एक बोरोन तीन अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो फर्ज करेंगे यहाँ पे तीन अल्काइल ग्रुप हैं और एक बोरोन एक BH3 है। अब एक BH3 के पास तीन हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन कहाँ पे शिफ्ट होंगे? अकॉर्डिंग टू एंटी मोरकॉनिक रूल के अकॉर्डिंगली इस कार्बन के पास आ जाएंगे हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके पास दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेगा किसके साथ? बोरोन के साथ, यानी तीन अल्काइल ग्रुप बोरोन, बोरोन सेंट्रल एटम होगा, उसके गिर्द यहाँ पे तीन अल्काइल ग्रुप बन जाएंगे और तीन अल्काइल ग्रुप में ये जो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा इनटू द सिंगल बॉन्ड, ठीक है। फिर जब तो अगर यहाँ पे B2H6 है तो इसका मतलब है कि एक BH3 के मॉलिक्यूल से इस तरह से, और अगर दो BH3 के मॉलिक्यूल होंगे तो टू हो जाएगा, तो इस तरह से ये वाली चीज बन गई है। अब जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हाइड्रोलिसिस करवाने से आपके पास बन जाएगा अल्केन बन जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कार्बन एटम्स की जो तादाद है वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, ठीक है, यानी कि पहले CH2 ने बोरोन के साथ बॉन्ड बनाए हुए थे, कितने CH2 थे आपके पास? सिक्स बनते हैं, थ्री ये और टू ये, सिक्स थे, तो सिक्स वाले मॉलिक्यूल ने आपस में कपल होके थ्री मॉलिक्यूल बना दिए हैं और लॉन्गर चेन बन गई है अल्केन्स की, ठीक है। तो कपलिंग कैन बी इफेक्टेड बिटवीन डिफरेंट अल्काइल बोरेन्स। एक और बात कि अगर आपके पास डिफरेंट अल्काइल बोरेन हो तो उसके रिजल्ट में जो कपलिंग होती है वो डिफरेंट होती है, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटीज बनने की ज्यादा होती है। अच्छा, उसके बाद एक और मेथड है आपके पास कपलिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी कि कोरे हाउस सिंथेसिस, ठीक है। इस मेथड के अंदर अल्काइल हैलाइड को पहले ट्रीट किया जाता है लिथियम मेटल के साथ, अल्काइल हैलाइड है उसको पहले ट्रीट करवाया है लिथियम मेटल के साथ टू फॉर्म अल्काइल लिथियम, अल्काइल लिथियम बन गया, इसको फिर फर्दर ट्रीट करवाया जाता है कप्रस आयोडाइड के साथ, तो ये बना देता है लिथियम डाई अल्काइल कुपरेट, लिथियम डाई अल्काइल कुपरेट, जैसे यहाँ पे अल्काइल ग्रुप की जगह पे मिथाइल ग्रुप है। अब ये जो लिथियम डाई अल्काइल कुपरेट बना है इसको फर्दर हम ट्रीट करवाएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ, तो फिर आपके पास अल्केन बन जाते हैं। अब इसके अंदर पहले यहाँ पे देखें मिथाइल ब्रोमाइड है, उसका रिएक्शन दो लिथियम मेटल के साथ, लिथियम ने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करना है, यहाँ पे ब्रोमो ग्रुप यहाँ से डिस्प्लेस करवाएगा, एक लिथियम ब्रोमो के साथ अटैच हो जाएगा और जो CH3 है वो दूसरे लिथियम के साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि अल्काइल लिथियम बन जाएगा, मिथाइल लिथियम बोलेंगे इसको, मिथाइल लिथियम है वो जब कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्शन शो करेगा तो फिर यहाँ पे वो लिथियम और डाई अल्काइल का मतलब है कि यहाँ पे डाई मिथाइल हो जाएगा और कॉपर, और उसके बाद लिथियम ने आयोडाइड के साथ मिलके लिथियम आयोडाइड के फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाना है। फिर ये जो लिथियम डाई अल्काइल कुपरेट है
ये फर्दर रिएक्ट करेगा अल्काल हैलाइड के मॉलिक्यूल के साथ, यानी कोई भी अल्काल हैलाइड हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट कि आपको प्रोडक्ट कौन सी चाहिए। अगर आपको प्रोपेन चाहिए तो यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड के साथ इसका रिएक्शन होगा, और फिर यहाँ पे ये जो कॉपर है वो एक मिथाइल ग्रुप को लेके यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगी। उसके बाद ये जो लिथियम है लिथियम ब्रोमो ग्रुप के साथ मिलकर लिथियम ब्रोमाइड बना देगा, और ये जो बाकी CH3 है और CH2 CH3 ये बना देंगे प्रोपेन। अगर आपको यहाँ पे ब्यूटेन बनाना है तो यहाँ पर प्रोपाइल ब्रोमाइड लेना पड़ेगा, यानी एक कार्बन ज्यादा लेना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के अंदर कार्बन नंबर कितने हैं, हम लोग चॉइस कर लेंगे अल्काइल हैलाइड की, कि अल्काइल हैलाइड के कौन से नंबर वाला, कौन से कार्बन नंबर वाला हम लोगों को चाहिए। इसके बाद आ जाता है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड हमेशा ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिनके अंदर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पाया जाता है। अब या तो वो उनके अंदर कैटेगरीज हैं, या तो वो एल्डिहाइडिक हैं या फिर वो कीटोनिक हैं। ठीक है, अगर वो एल्डिहाइडिक है तो एल्डिहाइडिक में आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ इंटू एच हो जाएगा, जैसे एसिटाल्डिहाइड होता है, या फिर अगर कीटोन है तो वो सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा और उसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो उसकी रिडक्शन के लिए हम लोग दो तरह के रिएजेंट्स यूज करते हैं। एक हम लोग यूज करते हैं जिंक मरकरी अमलगम को इन HCl, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, या फिर हम यूज करते हैं हाइड्रोजीन और NaOH, या फिर सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड का फॉर्मूला ये है और ये हाइड्रोजीन है। हाइड्रोजीन को या सोडियम इथोक्साइड के साथ यूज करते हैं, या हाइड्रोजीन को NaOH के साथ यूज करते हैं, या KOH के साथ भी यूज करते हैं। इसके साथ ट्रीट करेंगे तो ये वाला जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं वुल्फ किशनर रिडक्शन। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि सिंपली जो जो कार्बन ने बॉन्ड दोनों ऑक्सीजन के साथ बनाए हुए होते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल होने के बाद ये जो दोनों बॉन्ड हैं वो किसके साथ बना देता है, हाइड्रोजन के साथ बना देता है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो ये दो तरह के रिडक्शन हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन है और वुल्फ किशनर रिडक्शन है। अब पहले वाला देखें, एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। एसिटाल्डिहाइड के अंदर आपको पता है कि सी डबल बॉन्ड ओ इंटू एच होता है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप जिंक अमलगम HCl की प्रोसेस में करवा रहे हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, तो इस पे ये जो ऑक्सीजन एटम है ये रिमूव हो जाता है और यहाँ पर दोनों के दोनों हाइड्रोजन लग जाते हैं, यानी कि ये CH3 और ये CH2 और H मिलके ये बना देते हैं CH3। ठीक है, तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन हो गई है। उसके बाद अगर एसीटोन का मॉलिक्यूल है, एसीटोन के अंदर क्योंकि कार्बोनाइल है, कीटोनिक ग्रुप है, सी डबल ओ है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन का रिमूव होने के बाद यहाँ पे दो हाइड्रोजन लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन लगने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोपेन के अंदर, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन के अंदर। और अगर आप हाइड्रोजन या सोडियम इथोक्साइड यूज कर रहे हैं तो इसमें ये होती है वुल्फ किशनर रिडक्शन। इसके अंदर आप ऑक्सीजन को रिमूव करवाने के बाद दो हाइड्रोजन लगने के बाद ये CH3 बन जाता है, यानी आपके पास इथेन बन जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट सेम होती हैं। इसके अंदर या तो एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप रिड्यूस हो जाता है मिथाइल के अंदर, या फिर मिथिलीन ग्रुप के अंदर। मिथाइल ग्रुप आपको पता है CH3 ग्रुप होता है, जैसे एल्डिहाइड के केस में CH3 के अंदर चेंज हो गया। मिथाइलिनिक ग्रुप होता है CH2 ग्रुप होता है, जैसे कीटोन के केस में CH2 ग्रुप के अंदर चेंज हो जाता है। तो हमेशा क्लेमेंसन और वुल्फ किशनर रिडक्शन के अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, इन द केस ऑफ एल्डिहाइड वो मिथाइल ग्रुप के अंदर, और इन द केस ऑफ कीटोन के अंदर वो मिथाइलिन ग्रुप के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो ये दो तरह की रिडक्शन है जो हम लोग डिफरेंट रिएक्शन के अंदर यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, इस रिएक्शन के अंदर नॉर्मली हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन को ये कहते हैं कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कंपाउंड्स, कंपाउंड्स में से मेनली कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से। अगर आप सोडियम सॉल्ट ले रहे हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उसको ट्रीट करवाएं क्विक सोडा लाइम के साथ, यानी NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर। ये लेबोरेटरी के अंदर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। ठीक है, थोड़ा पिंकिश होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है सोडा लाइम। अब अगर इसके साथ ट्रीट करवाएंगे और उसको थोड़ा सा हीट करेंगे, तो ये इसमें से ये जो सोडियम और सी डबल ओ सी ओ दोनों हैं, ये दोनों ग्रुप, और यहाँ पे ये जो सोडियम ओ है, ठीक है, ये दोनों ये यहाँ से आपस में मिलके सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर देते हैं, और पीछे ये जो CH3 ग्रुप है वो एच के साथ मिलके CH4 की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो इस सेक्शन के अंदर हमेशा जो सोडियम साल्ट होते हैं या फिर जो पोटाशियम साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स के होते हैं, उनको जैसे ही आप ट्रीट करवाया जाता है सोडा लाइम के साथ या हीट किया जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द अल्केन। ठीक है, अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, उसमें से कार्बन साइड रिमूव हो जाती है जो कि मेटल के साथ मिलके सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करती है, या किसी और मेटल कार्बोनेट्स की फॉर्मेशन करती है। नॉर्मली हम लोग सोडा लाइम यूज करते हैं तो सोडियम मेटल ही होती है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए फिर हम कार्बोक्सैलिक एसिड्स का साल्ट भी कह लेते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सैलिक एसिड्स लेते हैं।
अच्छा पहले ये आ जाता है क्वेश्चन कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सैलिक एसिड कैसे बनाया जाता है। तो कार्बोक्सैलिक एसिड के चैप्टर के अंदर हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं कि आपके पास कार्बोक्सैलिक एसिड है, ठीक है, उसका रिएक्शन हम लोग NaOH के साथ करा देते हैं। तो वहाँ पे जो वाटर होता है वहाँ पे रिलीज हो जाता है, और दूसरा आपके पास जो NaOH Na है वो इसके साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है कार्बोक्सैलिक एसिड के साथ। नॉर्मली एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है जिसके अंदर सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। दिस मेथड इज ओनली सुटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिटेट, फॉर द फॉर्मेशन फॉर इन द केस ऑफ एसिटेट, यानी कि ऐसा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसके पास सिर्फ एसिटेट हो, जैसे CH3 है, अगर CH3 से हायर कोई अल्काइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो ये रिएक्शन उसके लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि इसके रिजल्ट में फिर आपके पास डिफरेंट मिक्सचर बनेगा प्रोडक्ट के अंदर जिनकी सेपरेशन डिफिकल्ट होगी। इसलिए ये सिर्फ जो है वो CH3 जो अल्काइल ग्रुप है वो अगर प्रेजेंट होगा तो उस केस के अंदर ये रिएक्शन फेवरेबल है, अदरवाइज ये फेवरेबल नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कोप्स इलेक्ट्रोलाइसिस की। इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसा फिनोमना होता है जिसके अंदर अगर आप किसी का इलेक्ट्रोलाइट ले लें, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं किसी सॉल्ट का डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लें, अगर आप किसी सॉल्ट का डाइल्यूट सॉल्यूशन को टैंक के अंदर डाल देते हैं और उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा देते हैं तो वहां पर सेपरेशन ऑफ आयंस हो जाती है, यानी वो सॉल्ट जो है वो अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं कोप्स इलेक्ट्रोलाइसिस। अब जब वो अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाता है तो वहां पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे देते हैं, ठीक है। तो अगर हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सैलिक एसिड की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस इन द प्रोसेस ऑफ वाटर, तो इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो यहाँ पे ये इथेन बन गया है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड NaOH और हाइड्रोजन गैस बन गई है। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये वाली प्रोडक्ट्स कैसे बननी है। मैकेनिज्म के अंदर आप देखें तो यहाँ पे सोडियम एसिटेट है पहले, सॉल्ट है, ठीक है। इसके अंदर आपने यहाँ पे जो ये पहले आयोनाइज हो जाता है इनटू इट्स आयन, यानी सोडियम आयन के अंदर और ओ नेगेटिव एसिटेट आयन के अंदर। अब ये जो एसिटेट आयन है ये क्या करता है, यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करवा देता है, ठीक है। यहाँ पे एच नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ ओ रेडिकल है, ठीक है, ओ रेडिकल है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया है क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो पीछे ऑक्सीजन रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन का रेडिकल है ये हाफ हेडेड एरो की मदद से शो हुआ हुआ है, यानी कि ये रेडिकल जब इधर मूव करता है एक इलेक्ट्रॉन तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों के दरमियान में शेयर हो रहे हैं, दोनों कार्बन के दरमियान में, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन इस साइड पे मूव करता है, यानी ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ये जो एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुआ है वो CH3 रेडिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब दो CH3 रेडिकल आपस में कंबाइन होते हैं तो वो अल्केन की फॉर्मेशन कर देते हैं, क्योंकि रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि टर्मिनेशन रिएक्शन होता है, टर्मिनेशन रिएक्शन के अंदर दो रेडिकल आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट दे देते हैं। कैथोड के अंदर आपको रिडक्शन होती है, थोड़ा उलट लिखा हुआ है, ये एनोड होना चाहिए था और ये कैथोड होना चाहिए था। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है, तो रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन के अंदर यहाँ पे सोडियम आयन है, सोडियम आयन जो यहाँ से निकले थे ये सोडियम आयन जब दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं तो यहाँ पर दो सोडियम बन जाते हैं, और सिमिलरली दो सोडियम है प्लस दो सोडियम मेटल है जब वाटर के साथ मिलता है तो अल्कली की फॉर्मेशन और प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे दो सोडियम क्यों यूज हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो स्टार्टिंग में जो जो सॉल्ट ले रहे थे वो भी क्या था, उसके दो मोल ले रहे थे, तो दो मोल के लिए आपके पास दो सोडियम यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और कि दो दो सॉल्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कपलिंग होनी है अल्काइल ग्रुप की, अल्काइल ग्रुप की कपलिंग होने के बाद यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट आ जानी है। कोब्स इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर सबसे पहले आयोनाइजेशन होती है, फिर फ्री रेडिकल्स की जनरेशन हो जाती है बाय द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल आ गया। जब ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल आ जाता है, जब ये रेडिकल अब बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है तो ये क्या करता है, जो कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसकी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाती है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ यानी कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, तो एक बॉन्ड बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस साइड पे भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी दोनों तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। अब जो एक इलेक्ट्रॉन जो मिथाइल ग्रुप की तरफ शिफ्ट हुआ था वो कंट्रीब्यूट करता है रेडिकल फॉर्मेशन, और रेडिकल जब दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ये CH3 CH3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन होता है, एनोड ये है और कैथोड का रिएक्शन ये है, कैथोड के ऊपर जब रिएक्शन हो जाता है तो ये सोडियम है, सोडियम दो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो ये सोडियम मेटल के अंदर कन्वर्ट होता है, सोडियम मेटल जब वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है तो अल्कली की फॉर्मेशन करती है, ठीक है।
ये वाली बात मैंने आपको वुड सिंथेसिस के अंदर भी बताई है कि सोडियम ईथर का सोल्यूशन ड्राई यूज किया जाता है क्योंकि उसके अंदर वाटर कंटेंट नहीं होता। अगर वाटर कंटेंट होगा तो सोडियम मेटल उसके अंदर डिजोल्व होकर अल्कली की फॉर्मेशन कर देती है। लास्ट वाला जो मेथड है वो आपके पास है फ्रॉम दी अल्कोहल्स के। आप अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं अल्केन को? ठीक है, अल्केन को अल्कोहल से बनाने के अल्कोहल्स अंडरगो रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड एच आई एन फॉस्फोरस थ्रू द अल्काइल हैलाइड टू प्रोड्यूस अल्केन। यानी कि अल्कोहल का रिएक्शन जब आप हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवाएंगे, ठीक है, एक एसिड है उसके साथ करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, आपके पास अल्काइल हैलाइड एज इंटरमीडिएट करने का, और फिर अल्काइल हैलाइड का जब फर्दर रिएक्शन कंटिन्यू करेंगे उसी रिएजेंट के साथ तो आपके पास अल्केन बन जाएगा और आयोडीन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी। यहाँ पे बेसिकली रिप्लेसमेंट रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहाँ पे आपके पास आयोडाइड आयन OH ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस करवा देता है। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं रिएक्शन इसके अंदर लैब के अंदर, ठीक है, लैब के अंदर क्योंकि अल्कोहल्स आपके पास रेडली अवेलेबल हैं तो आप वहां से अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं और अल्काइल हैलाइड फर्दर अल्केन के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आयोडो ग्रुप इस अल्काइल ग्रुप के साथ लग जाता है तो फिर उसको फर्दर रिएक्शन करवाने के बाद ये CH3 बॉन्ड CH3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, CH3 बॉन्ड CH3 के अंदर और प्लस आयोडीन यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। उसके बाद अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हैं वो डिपेंड करती हैं स्ट्रक्चर के ऊपर और साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ठीक है, या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं तो वो डिपेंड करती हैं उसके स्ट्रक्चर के ऊपर और उसके साइज के ऊपर, यानी कि उसके एटम्स के अरेंजमेंट कैसे हैं और उसका साइज कितना बड़ा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग नॉर्मली डराइव करते हैं, नॉर्मली बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कौन सी? वंडर वॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, वंडर वॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंट्रैक्शन करती हैं, यानी नॉन पोलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर कॉल्ड वीक वंडर वॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं वो क्या होता है, वो आपके पास ज्यादा जो है ना वो जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं वो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि जब आप किसी चीज को बॉइल करेंगे, ठीक है, तो उसको जो जो हीट आप सप्लाई कर रहे हैं वो चीज तभी एवोपरेट होगी जब उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होगी। यानी एक मॉलिक्यूल एवोपरेट होगा फिर दूसरा मॉलिक्यूल एवोपरेट होगा, तो जब तक उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक नहीं होंगी तब तक वो चीज बॉइल नहीं होगी या मेल्ट नहीं होगी। ठीक है, तो किसी चीज को मेल्टिंग या बॉइलिंग या बॉइल करने के लिए उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का खत्म होना जरूरी होता है, यानी टूटना जरूरी होता है। तो अब ये भी बात आ जाती है कि जो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो जनरली इंक्रीज कर जाती हैं विद द साइज ऑफ एन एटम। फॉर एग्जाम्पल, मीथेन के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी एज कम्पेयर टू इथेन, इथेन के अंदर वो ज्यादा होंगी, फिर उसके बाद प्रोपेन के अंदर ज्यादा होंगी, फिर ब्यूटेन के अंदर ज्यादा होंगी। तो जैसे जैसे कार्बन की चेन इंक्रीज करती जाती है बिल्कुल ऐसे ही जो जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी क्या होती जाती हैं, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, और उसके बाद एक और है कि स्ट्रेट चेन जो मॉलिक्यूल होते हैं, स्ट्रेट चेन जो अल्केन होते हैं उनके अंदर ग्रेटर फोर्सेस होती हैं एज कम्पेयर टू ब्रांच चेन। क्यों ग्रेटर होती हैं? क्योंकि दे आर मोर एक्सपोज टू द एनवायरमेंट। ठीक है, ये मोर एक्सपोज होती हैं टू आर द मोर एक्सपोज होती हैं, यानी इनके कार्बन एटम सीधी चेन के अंदर अरेंज हो जाते हैं तो उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो ज्यादा डेवलप हो जाती हैं, ज्यादा सर्फेस एरिया होने की वजह से। अब जो ब्रांच चेन होती हैं उनको हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं कि वो क्या है, स्फीयर्स हैं। स्फीयर्स किस तरह से? फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल ले लूंगी नियोपेंटेन की, अगर एग्जांपल ले लें जिसके अंदर टर्शरी कार्बन एटम, टर्शरी भी नहीं क्वार्टरनरी कार्बन एटम है, ठीक है, यानी कि सी दरमियान में है और उसके चारों तरफ मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो उस केस में आप देखें सरफेस एरिया कम है, सिर्फ चार जो मिथाइल ग्रुप हैं वो बाय किसी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कर सकते हैं, वंडर वॉल फोर्सेस कर सकते हैं, लेकिन अंदर वाला कार्बन बॉन्ड नहीं है। अगर एज कम्पेयर टू अगर हम स्ट्रेट चेन की एग्जाम्पल लें जैसे कि एन पेंटेन है, CH3 बॉन्ड CH2 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 फिर CH3, पांच कार्बन एटम वाला स्ट्रेट चेन, तो उसके अंदर आप देखें पांच कार्बन है तो पांचों के पांचों कार्बन एटम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप करवाने में जरूरी में इन्वॉल्व होंगे। तो हम लोग ये कहते हैं कि हमेशा जो स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर ग्रेटर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं एज कम्पेयर टू
ब्रांच चेंज, और वो भी कौन सी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। तो ये बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट को करवाने के लिए ओवरकम करना पड़ता है इन फोर्सेस को, इसलिए ये प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मॉलिक्यूलर साइज के साथ इंक्रीज कर रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर, और दूसरा आपके पास स्टेट की बात आ जाती है, जैसे कार्बन 1 टू कार्बन 4 जो होती हैं वो गैसेज हैं, कार्बन 5 टू कार्बन 17 कलरलेस लिक्विड्स हो सकते हैं, और उससे ऊपर वाली क्या होती हैं, सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। अच्छा, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि इसकी प्रिपरेशन के मेथड्स खत्म हो गए हैं अल्केन्स के। आप लोगों ने क्या करना है, एक्सरसाइज के अंदर, एम यूनुस की बुक है उसकी एक्सरसाइज के अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, ये आप लोगों ने क्या करना है एज एन असाइनमेंट करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 15 ये आप लोगों ने एज एन असाइनमेंट करना है, और मुझे इसका पीडीएफ जो है ना वो सेंड करना है।